नाजरीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं शाइस्ता परवीन आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा मौजू है इक्तिसाब लर्निंग। इक्तिसाब के तहत हम आज इक्तिसाब का तसव्वुर, इक्तिसाब का अमल और इक्तिसाब को मुतासिर करने वाले अवामिल के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अजीज़ तुलबा, सबसे पहले हम इक्तिसाब की मानी व तारीफ़ों का सहारा लेकर इक्तिसाब के तसव्वुर से वाकफियत हासिल करेंगे। इंसान की ज़िंदगी में सीखना, तजुर्बा हासिल करना व मुताबिकत पैदा करना एक मुसलसल अमल है। इंसान हर लम्हा नए तजुर्बात हासिल करता रहता है और इन्हीं तजुर्बात की बुनियाद पर वो रवैया इख्तियार करता है या अमल करता है। इसके साथ ही ज़रूरत के मुताबिक वो अपने रवैये में तब्दीली भी करता है। इंसान को जिस काम से सुकून हासिल होता है या खुशी मिलती है उसे वो बार बार करना चाहता है और जिस काम से तकलीफ होती है उसे वो बचने की कोशिश करता है। इस अमल को ही तजुर्बा से फ़ायदा उठाना, सीखना या इक्तिसाब करना कहा जाता है। इंसान अगर इसके बरखिलाफ़ काम करता है तब कहा जाता है कि उसने तजुर्बा से कुछ नहीं सीखा। इंसान की ज़िंदगी में इक्तिसाब की बहुत अहमियत है। इंसान आज कामयाबी, तरक्की व तहजीब के जिस मरहले पर है वो सब सीखने की बदौलत है। सीखने की बदौलत ही इंसान एक अच्छा इंसान बनता है। इक्तिसाब और इंसान का रिश्ता उसी तरह है जैसे फूल और खुशबू के दरमियान रिश्ता है, लिहाजा दोनों को अलाइदा करना नामुमकिन है। इसलिए नफ्सियात के मैदान में तालीमी नफ्सियात को एक अहम मकाम हासिल है और तालीमी नफ्सियात से इक्तिसाब को जुदा नहीं किया जा सकता। तालीमी नफ्सियात के सभी मौजू किसी न किसी शक्ल में और किसी न किसी तरह इक्तिसाब से ही मुंसलिक हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर तालीमी नफ्सियात से इक्तिसाब का मौजू अलग कर दिया जाए तो उसका वजूद ही बाकी नहीं रहता, वो सिफर रह जाता है। इक्तिसाब की लुगवी माने, इक्तिसाब एक अरबी लफ्ज़ है जो हुरफे कसब से माखूज है। लफ्ज़ कसब इसमें मुज़क्कर है जिसके मानी हासिल करना, पैदा करना, मजाजन हुनर, करतब फ़न और गुण है। हम नई चीज़ को हासिल करते हैं जिससे रवैये में तब्दीली होती है, हमारे अंदर नई सोच पैदा होती है, यही इक्तिसाब है। इक्तिसाब के लिए एक और लफ्ज़ आमोजिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ आमोजिश फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो आमोख्तन से माखूज है, जिसके मानी सीखने के हैं। अज़ीज़ तुलबा, इस तरह उर्दू ज़ुबान में लर्निंग के लिए दो अल्फाज इक्तिसाब और आमोजिश का इस्तेमाल किया जाता है। इक्तिसाब के मानी इंसान के रवैये में तब्दीली है, किसी नए हुनर, नए ख़यालात को अपनाना, उन्हें अपने रवैये में शामिल करना इक्तिसाब कहलाता है। इक्तिसाबी अमल के ज़रिए बच्चे के रवैये में खातिर ख़ा तब्दीली की जाती है। नफ्सियात में इक्तिसाब एक तामीरी अमल है। तामीर का मतलब एक फिक्र सूरत से है जिसका बिलरास तौर पर मुशाहदा नहीं किया जा सकता, बल्कि इंसान के रवैये से कयास लगाया जा सकता है। अज़ीज़ तुलबा, हम इक्तिसाब की मुख्तलिफ तारीफ़ों की मदद से इक्तिसाब के मानी समझने की कोशिश करेंगे। बीएफ स्कीनर, जो कि एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात थे, इक्तिसाब की तारीफ इस तरह की है, बर्ताव में बतदरीज तब्दीली का अमल इक्तिसाब है। रॉबर्ट एस वुडवर्थ, जो कि अमेरिकी तालीमी माहिर नफ्सियात थे, वो इक्तिसाब की तारीफ इस तरह करते हैं, नशोनुमा का अमल इक्तिसाब है और नए इल्म और नए रद्द अमल को हासिल करने का नाम इक्तिसाब है। जे पी गिलफोर्ड, जिनका पूरा नाम जॉय पॉल गिलफोर्ड है, यह भी एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात थे।
उन्होंने इक्तिसाब की तारीफ इन लफ्ज़ों में की है। बर्ताव और सलूक के ज़रिए रवैये में तब्दीली का नाम इक्तिसाब है। इन माहिरों ने तालीम के ज़रिए दी गई इक्तिसाब की तारीफ़ों का जायज़ा लेने के बाद हम कह सकते हैं कि इक्तिसाब फ़र्द के बर्ताव, रवैये और इल्म में तब्दीली है जो तजुर्बा की बुनियाद पर वजूद में आई है, और यह तब्दीली विरासत में नहीं मिलती। यह तब्दीली फ़र्द को अपने इनफरादी, इज्तिमाई, तबई और माशरती माहौल से मुताबिकत करने में मदद करती है, और इक्तिसाब ताहयात चलने वाला अमल है। इक्तिसाब एक शऊरी अमल है। लाशऊरी, नशे और बेहोशी की हालत में किया गया अमल इक्तिसाब के ज़ुमरे में नहीं आता है। इसी तरह फितरी अमल जैसे सांस लेना, पलक झपकाना, देखना, सुनना, चलना फिरना वगैरह भी इक्तिसाब के ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जाता है। इक्तिसाब का अमल तमाम ज़िंदगी चलता है। पैदाइश से मौत तक इंसान कुछ न कुछ सीखता रहता है। इक्तिसाब को इंसान के बर्ताव, रवैये और महारतों की तब्दीली की शक्ल में देखा जा सकता है। इक्तिसाब एक आलमी अमल है। हर ज़िरह इस अमल में शामिल है। तबई और ज़हनी सलाहियतों की नशोनुमा इक्तिसाब की मदद से होती है। इक्तिसाब मकसद और नस्बुलैन के हुसूल के तई अमल का नाम है। इक्तिसाब फ़र्द और उसके तबई, माशरती और ज़हनी माहौल के बाहमी तामुल के नतीजे में हासिल होता है। इक्तिसाब इनफरादी और इज्तिमाई दोनों किस्म का होता है। तजुर्बात की तंजीमी शक्ल इक्तिसाब है। इक्तिसाब आम तौर पर एक शऊरी अमल होता है। इक्तिसाब की बदौलत इंसान अपने तबई और माशरती माहौल से मुताबिकत करता है। अज़ीज़ तुलबा, इक्तिसाब के तसव्वुर के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद अब हम अपने दूसरे पॉइंट इक्तिसाब का अमल से वाकफियत हासिल करेंगे। इक्तिसाब का अमल किसी ज़रूरत या मुहरिका से शुरू होता है। इस अमल में इंसान को तहरीक करने वाला मकसद शामिल होता है। मकसद को हासिल करने में कुछ रुकावटें आती हैं। इस तरह इक्तिसाब के अमल का तर्जिया करने पर इसमें कई इकदाम दिखाई पड़ते हैं। एक मिसाल के ज़रिए इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए एक भूखा बच्चा है। भूख मुहर्रिक कुव्वत के सबब खाना उसकी ज़रूरत है। वह कमरे की अलमारी के पास जाता है जिस पर उसकी माँ ने मिठाई रखी है। यहाँ अलमारी पर रखी मिठाई को हासिल करना उसका मकसद है। वह अलमारी के पास जाता है और मिठाई हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारी ऊंची होने की वजह से वो वहाँ तक अपनी पहुँच बनाने में नाकाम हो जाता है। यहाँ पर अलमारी की ऊंचाई का ज़्यादा होना उसके लिए रुकावट या परेशानी है। अब वो मिठाई हासिल करने की मुतादित कोशिशें करता है। अपने पंजों पर खड़े होकर मिठाई हासिल करने की कोशिश करता है। इस अमल से नाकाम होने पर वह उछल कर मिठाई हासिल करने की कोशिश करता है। फिर उसके जहन में आता है कि एक बड़े डंडे से मिठाई का डब्बा गिराया जाए, मगर इसी लम्हा उसके जहन में यह भी ख्याल आया कि इस तरह से मिठाई ज़मीन पर गिरकर बर्बाद हो जाएगी। फिर वह कमरे में चारों तरफ देखता है। उसकी नज़र एक स्टूल पर पड़ती है। वह स्टूल लगाकर उसके ऊपर चढ़कर मिठाई हासिल कर लेता है। इस तरह उसका सीखना हो गया। अज़ीज़ तुलबा, इस तजुर्बा से उसने दो बातें सीखी। एक, उसने दरपेश मसाइल को हल करना सीखा। दूसरे, उसने एक तरीका सीख लिया कि ऊंची जगह पर रखी चीज़ कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो मुस्तकबिल में इस तरह के मसाइल को हल करने में कर सकेगा। लिहाजा सीखने के अमल में रुकावट व मुश्किलात का होना ज़रूरी है। अगर अलमारी की ऊंचाई कम होती और बच्चा फौरन मिठाई हासिल कर लेता, तब वह कुछ नहीं सीखता। माहिर तालीम डेशील ने
سیکھنے کے عمل کو مزید واضح کرنے کے لیے اکتساب کے پانچ مراحل بتائے ہیں. محرکہ، رکاوٹ، مختلف ممکنہ کوششیں، رکاوٹ کو دور کرنے والی صحیح کوشش، ہدف کی حصولیابی. اکتساب کے اقدام کی مزید وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے. محرکہ، موٹیویشن، ہدف، گول، رکاوٹ، آبسٹیکل. مختلف ممکنہ کوششیں، ویریس ایکسپلوریٹری ایفرٹس، تقویت، ری انفورسمنٹ، تعمیم، جنرلائزیشن. عزیز طلباء، یہاں ہم اکتسابی اقدام پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے. ضرورتوں کو پورا کرنے اور اشیاء کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے. یہی بے چینی اسے حرکت میں لاتی ہے. بچے کی مثال میں بچے کی بھوک کی وجہ سے کھانے کی حصولیابی اس کے اندر محرکہ پیدا کرتی ہے. کھانے کی حصولیابی اس کا محرکہ ہے. محرکہ سے عمل کی سمت کا تعین ہوتا ہے، جس سے ایک مقصد کا تعین ہو جاتا ہے. اکتساب پر مقصد عمل ہوتا ہے، لہٰذا انسان کا کوئی عمل بنا کسی مقصد کے نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی ضرورتوں و مقصد کی حصولیابی کے لیے عمل کرتا ہے. ہدف کا تعین ہو جانے پر عمل کی سمت کا تعین ہو جاتا ہے. بچے کی مثال میں بھوک اس کا محرکہ ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانے کی حصولیابی کے لیے عمل کرتا ہے. وہ کمرے کی الماری پر رکھی مٹھائی دیکھ لیتا ہے اور اسے حاصل کرنا اس کا مقصد بن جاتا ہے. محرکہ کے بعد مقصد کا متعین ہو گیا. اس طرح سیکھنے کے عمل میں مقصد کا تعین ایک اہم قدم ہے. مقصد کی حصولیابی میں رکاوٹ حائل ہونے کی صورت میں ہی اکتساب ہوتا ہے. اگر انسان بنا کسی رکاوٹ یا کسی پریشانی کے اپنے پچھلے تجربہ کی بنیاد پر مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کوئی نئی چیز نہیں سیکھتا ہے. مقصد کی حصولیابی میں رکاوٹ و پریشانیوں کے حائل ہونے سے وہ مختلف قسم کی کوششیں کرتا ہے. ان میں سے کسی ایک مخصوص قسم کی کوشش سے وہ رکاوٹوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس طریقے سے وہ پریشانی کو حل کرنے کے نئے طریقے کو سیکھ لیتا ہے، جس کا استعمال وہ مستقبل میں اسی قسم کی پریشانی کو دور کرنے میں کر سکتا ہے. لہٰذا سیکھنے کے مراحل میں رکاوٹ کا آنا ضروری ہے. عزیز طلباء، ہم نے دیکھا کہ بچے کی مثال میں مٹھائی کا اونچی جگہ پر ہونا رکاوٹ ہے، جسے وہ ہٹا کر مٹھائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کام یا عمل کو کرنے کے طریقے کی معلومات انسان کو پہلے سے نہیں ہوتی، اسے کرنے کے لیے وہ بار بار اور مختلف طریقے سے کوششیں کرتا ہے. ان کوششوں میں وہ پہلے کی کوششوں میں کی گئی غلطیوں کو کم کرتا جاتا ہے. اس کے لیے وہ سوچتا ہے اور منطق کا سہارا لیتا ہے. اس طرح آخر میں وہ صحیح ڈھنگ سے کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مثال میں ہم نے دیکھا کہ بچہ پہلے اپنے پنجوں پر کھڑا ہو کر، پھر اچھل کر، پھر لمبے ڈنڈے کی مدد سے، ان سب عمل کے دوران اس نے منطق کا سہارا لیا کہ ڈنڈے کی مدد سے مٹھائی اتارنے پر وہ برباد ہو سکتی ہے. پھر آخر میں اس کی نظر ایک اسٹول پر پڑی، جس کی مدد سے وہ مٹھائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس طرح ہم نے دیکھا کہ بچے نے مختلف ممکنہ کوششوں کے بعد ایک صحیح کوشش سے مقصد کو حاصل کر لیا ہے. سیکھنے کے عمل میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انسان مختلف قسم کی کوششیں کرتا ہے. ان کوششوں میں سے کوئی ایک کوشش رکاوٹ کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ کوشش خوشی بخشتی ہے.
जिससे इस मखसूस कोशिश को ठीक ढंग से अंजाम तक पहुंचाने के लिए तकवियत हासिल होती है। अजीज़ तुलबा, मिसाल में हमने देखा कि बच्चा पहले अपने पंजों पर खड़ा होता है, उसे मालूम हुआ कि वो अपने मकसद से थोड़ी ही दूर है, थोड़ा और ऊपर होने से मिठाई हासिल की जा सकती है। फिर वो उछलता है, मगर मिठाई और उसके हाथ के दरमियान अब भी थोड़ा दूरी बाकी रह जाती है। इसे मालूम होता है कि थोड़ा और ऊंचाई बढ़ाने पर मिठाई की हुसूलिया भी मुमकिन है। लंबे डंडे से तो वो अपनी पहुंच मिठाई तक बना लेता है, मगर मिठाई की बर्बादी के डर से दूसरा तरीका सोचता है, तभी उसकी नज़र स्टूल पर पड़ती है। लिहाजा यह सब अमल उसे तकवियत देते हैं और उसे यकीन होता है कि वह मिठाई को हासिल कर सकता है, और उसने हासिल भी किया। इक्तिसाब के अमल के आखिर मरहले में सिर्फ इंसान की ज़रूरत व मकसद की हुसूलियाबी ही नहीं होती है, बल्कि वह नए कामयाब अमल को साबिका अमल से मरबूत भी करता है। इस तरह नए और पुराने अमल में रब्त पैदा हो जाता है और एक नए इल्म का हुसूल हो जाता है, जिसका इस्तेमाल वह मुस्तकबिल में इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए करेगा और अपने दोस्तों को भी बता सकेगा कि किस तरह से ऊंची जगह पर रखी शय हासिल की जा सकती है। इसे ही तामीम कहा जाता है। यह तामीम इक्तिसाब के अमल का आखिरी मरहला होता है। अज़ीज़ तुलबा, सीखने के अमल को समझ लेने के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि इक्तिसाब को मुतासिर करने वाले अवामिल के बारे में मालूमात हासिल करें। मुख्तलिफ तजुर्बात की बुनियाद पर माहिरीन तालीम ने कई ऐसे अवामिल का पता लगाया है जो सभी इंसानों के इक्तिसाब को मुतासिर करते हैं। इन अवामिल में बालीदगी, मुहर्रिका, दिलचस्पी, ध्यान, ज़हानत, सेहत, सीखने का तरीका और मज़मून की किस्म वगैरह अहम हैं। इन अवामिल का सही इल्म होने पर सीखने के अमल की नशोनुमा में मदद मिलती है, क्योंकि यह अवामिल मुआविन और रुकावट डालने वाले दोनों तरह के होते हैं। अवामिल का साजगार होना इक्तिसाब के अमल को तेज़ करता है, जबकि नासाजगार अवामिल इक्तिसाब के अमल में रुकावट डालते हैं और कभी कभी पूरी तरह से रोक देते हैं। इक्तिसाब को मुतासिर करने वाले इन अवामिल को दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है, अंदरूनी अवामिल और बैरूनी अवामिल। ज़हनी अवामिल के अंदर इंसान की ज़हानत, सलाहियत, मौजूनियत, सीखने की ख्वाहिश और मखसूस महारत या काबिलियत वगैरह आते हैं। यह सभी इक्तिसाब को मुतासिर करते हैं। जज्बाती अवामिल में गुस्सा, डर, नफ़रत, जलन, एहसास कमतरी और खुदनुमाई करना वगैरह अहम हैं। सीखते वक्त की जज्बाती कैफियत सीखने के अमल को मुतासिर करती है। जिस्मानी बालिदगी, जिस्मानी सेहत, कान, नाक, हाथ, पैर की हालत, आवाज़ का साफ होना, हकलाना, गुंगापन वगैरह जिस्मानी अवामिल भी सीखने को मुतासिर करते हैं। इन अंदरूनी या शख्सी अवामिल के अलावा बैरूनी व माहौल से मुतालिक अवामिल भी सीखने के अमल को मुतासिर करते हैं। माहौलियाती माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक साजगार माहौल मिलने से किसी भी बच्चे को मनचाही बातें सिखाई जा सकती हैं। यह माहौल दो तरह का होता है, मादी और समाजी। मादी माहौल के अंदर रहने की जगह, आबोहवा, सर्दी, गर्मी और दूसरे मादी अवामिल शामिल हैं। समाजी माहौल के अंदर बच्चे की समाजी व माशी मौक़ का शुमार होता है। इसमें माँ बाप की माशी हालत, उनकी समाजी हालत और समाज में उनका किरदार और बच्चे को हासिल शुदा सहूलतें शामिल हैं। मोहब्बत, हमदर्दी, मुसाबिका, इनाम, सज़ा,
तारीफ, शिकायत व तकलीद वगैरह सामाजिक अवामिल के तौर पर सीखने को मुतासिर करते हैं। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आज हमने मुख्तलिफ माहरीन तालीम के ज़रिए पेश की गई इक्तिसाब की तारीफ़ों की मदद से इक्तिसाब के मानी व मफहूम से वाकफियत हासिल की। डेशील के ज़रिए पेश किरदा इक्तिसाब के इकदाम के ज़रिए इक्तिसाब के अमल को समझा गया और आखिर में इक्तिसाब को मुतासिर करने वाले अवामिल से वाकफियत हासिल की। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, इक्तिसाब से मुतालिक आज के सबक में फराहम की गई मालूमात यकीनन मुफीद व कारामत साबित होंगी। इक्तिसाब से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप इन कुतुब का मुताला कर सकते हैं। तालीमी नफ्सियात डॉक्टर तलत अज़ीज़, तालीमी नफ्सियात के पहलू डॉक्टर आफाक नदीम खान, सैयद माज हुसैन, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी एस एस चौहान, अधिगमकर्ता का विकास और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया डॉक्टर सियाराम यादव। मज़ीद जानकारी के लिए आप हमसे इस पते पर राबता भी कर सकते हैं। आज की नशिस्त में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए उनवान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।